खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जेएनयू हिंसा के खिलाफ ही मुंबई में कल गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शन हुआ, जिसमें सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने इस प्रदर्शन पर सवाल उठाए। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने शहनवाज हुसैन से बात की, सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। जेएनयू में हुई हिंसा को लेकर अलग अलग तरह की खबरें सामने आने लगी हैं, जमकर राजनीति भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब। सर, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, एबीवीपी कह रहा है कि लेफ्ट के लोगों ने हमला किया, लेफ्ट वाले कह रहे हैं एबीवीपी ने हमला किया, लेकिन नाम देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी का खराब हो रहा है, जेएनयू का। देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अपने आप में एक ऐसा संस्थान है जिसको देश के लोग उस पर गर्व करते हैं। बहुत से स्कॉलर्स दिए हैं उस संस्थान ने, भारत सरकार उस पर बहुत पैसा खर्च करती है और अपने देश के गरीब छात्र भी वहाँ पढ़ते हैं और बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुँचते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पढ़ाई का केंद्र है, आंदोलन और हिंसा का केंद्र नहीं बनने देना है। जो हिंसा हुई, चाहे वो रजिस्ट्रेशन कराने जो बच्चे जा रहे थे उनको जो वामपंथी संगठनों ने मारा पीटा, वो भी बहुत गलत किया, और जो लोग बाहर से आकर जिन्होंने हिंसा की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और पुलिस पूरी जांच कर रही है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाई का माहौल स्थापित हो, इसके लिए सरकार पूरा प्रयास करेगी। लेकिन सर, जो तस्वीरें सामने आई हैं, नकाबपोश यूनिवर्सिटी कैंपस में घूम रहे हैं, हॉस्टल्स में जा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, आरोप सीधे तौर पर जो शुरुआती जो है आरोप लगने शुरू हुए वो एबीवीपी के छात्रों के ऊपर कि वो अपने हाथ में लाठी डंडे लेकर के हॉस्टल्स में घुसे। सब एबीवीपी के जो छात्र हैं उनकी तो 3 दिन से मारपीट कर रहे हैं लोग, वामपंथी संगठन। उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करने दिया गया, उनको पूरा सर्वर तोड़ दिया इन लोगों ने, और एबीवीपी के कई कार्यकर्ता घायल किए। 2-3 दिन से यही ड्रामा चल रहा था, लेकिन ये जांच का विषय है कि जहां एबीवीपी इसको मुद्दा बना रही थी कि वामपंथी संगठन हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं और कई छात्र छात्राओं को उन्होंने मारा, उसकी जगह किसने इस पूरे विषय को बदलने के लिए वहां पर नकाबपोश भेजे, ये पूरा पता किया जाएगा। लेकिन इस देश के कुछ नेता हैं जो बिना जांच से पहले अपनी जांच रिपोर्ट दे देते हैं, तो जांच कैसे होगी? अभी जांच हो रही है, उसका इंतजार करना चाहिए, जो गुनाहगार होगा उस पर कार्रवाई होगी। सबके बीच में देश भर में अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जेएनयू में जो हिंसा हुई उसका विरोध हो रहा है, मुंबई में भी कई फिल्मी सितारे भी सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि जेएनयू में जिस तरीके की हिंसा हुई, जेएनयू का जो स्ट्रक्चर है उसको बदनाम करने की कोशिश है, देश की संप्रभुता पे खतरा है, इस तरीके के हमले, लगातार अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं, फिल्मी सितारे भी उसमें शामिल। देखिए, इस देश का हर नागरिक सितारा है, अलग अलग क्षेत्र में लोग काम करते हैं, फिल्म के क्षेत्र में भी बहुत उनको सितारा ही कहा जाता है, लेकिन क्या बिना जांच के वो अपनी रिपोर्ट दे देंगे? भाई, आप फिल्म करते हैं, फिल्म के लिए पब्लिसिटी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बारे में आप बताते हैं कि आपकी फिल्म कैसी बनी है, क्या क्या उसमें आपने सामग्री डाली है, तो उसकी पूरी डिटेल जानकारी होती है। यहाँ आप मुंबई में बैठे बैठे आपको यहाँ की सारी जानकारी हो गई, पहले जानकारी प्राप्त कर लेते, पता कर लेते कि सर्वर किसने तोड़ा, बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने नहीं दिया जा रहा था, क्या इसकी जानकारी फिल्मी सितारे जो इस तरह का विरोध कर रहे हैं उनके पास है, या फिल्मी सितारे हैं जो कहेंगे खाता न बही, फिल्मी सितारे जो कहेंगे वो सही, या बिना जांच के वो अपनी रिपोर्ट दे देंगे? और सर, एक आखिरी सवाल, इस सबके बीच में मुंबई में जो प्रदर्शन हो रहा था वहाँ फ्री कश्मीर का एक जो है पोस्टर भी नजर आया, हालांकि जो वो लड़की है उसका कहना है कि वो मांग ये कर रही थी कि वहां पर इंटरनेट चालू हो, जो लोगों को आने जाने की सुविधा हो, इस चीज को लेकर के वो, और शिवसेना के जो है संजय राउत कह रहे हैं कि लड़की की जो मांग है उसको भी देखना चाहिए, वो तो यही कह रही है कि इंटरनेट चालू होना चाहिए। ये होता है संगत का असर। हमारे साथ थे तो बड़ी राष्ट्रवाद की बात करते थे, और कांग्रेस के साथ चले गए तो फ्री कश्मीर के पोस्टर को भी डिफेंड कर रहे हैं संजय राउत और शिवसेना के लोग। क्या हो गया शिवसेना को? क्या सोच रहे होंगी बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा कि शिवसैनिक क्या कर रहे हैं? ऐसा तो कोई कांग्रेसी भी बयान नहीं देता। फ्री कश्मीर, कश्मीर फ्री तो है ही, क्या मानती है शिवसेना कश्मीर फ्री नहीं है?
यानी साफ तौर पर जेएनयू के मुद्दे पर जिस तरीके की राजनीति हो रही है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यह कहना है शाहनवाज हुसैन का। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो तमाम नेताओं के बयान हम इस समय आपको सुनवा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जेएनयू हिंसा को लेकर किस तरह से सियासत गर्म।